गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछले क्लास में हमने मेडिटेशन किया था। आज की क्लास में हम लोग योगासन करेंगे। योगासन करने से पहले हम वार्मअप एक्सरसाइज करते हैं। ओके बच्चों, टॉप टू बॉटम करते हैं। टॉप से स्टार्ट करते हैं हम लोग वार्मअप एक्सरसाइज। पहले नेक रोटेशन, अदर साइड, अप एंड डाउन, साइड टू साइड, सर्कल, अदर साइड, चेंज हैंड रोटेशन, बैक, चेंज वन हैंड फॉरवर्ड रोटेशन, बैक, बैक, चेन, डाउन साइड एंड चेंज, डाउन साइड, चेन एंड चेंज, चेंज बैक, चेंज अप एंड डाउन, फ्रंट, चेंज साइड, अदर हैंड, चेंज अदर साइड, चेंज बैक फोल्ड, चेंज रिलैक्स स्टूडेंट। वार्म अप एक्सरसाइज करने के बाद अब हम योगासन करेंगे। योगासन में आज हम शीर्षासन करेंगे। अब बच्चों हम शीर्षासन का अभ्यास करते हैं। शीर्षासन का अभ्यास करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमको अपना दोनों हाथ के जो हैंड के एल्बो है उसको हमको फर्स्ट पे रखना है। इस तरह से फर्स्ट पे रखने के बाद ये दोनों हाथ के हथेलियों के पंजों को आपस में इस तरह हम मिला लेंगे, इस तरह ज्वाइंट कर लेंगे। अब इसके बाद अपने सिर को जमीन पे फर्स्ट पर इस तरह दोनों हाथ के पास सपोर्ट की तरह इस तरह रखेंगे। अब बच्चों हम धीरे से अपने हिप को अप करेंगे और दोनों पैर को और पास लाएंगे अपने बैलेंस के अनुसार, बॉडी बैलेंस के अनुसार। अब धीरे धीरे अपने पैर को अप करेंगे बच्चों इस तरह। उसके बाद धीरे धीरे पैर को एकदम सीधा लेते हैं। अब
बच्चों हम पैर को धीरे धीरे नीचे की तरफ लाएंगे, स्लोली उसे बैंड करेंगे, उसके बाद ऐसे जमीन पे बैठेंगे। हाँ, इस तरह खड़े हो जाएंगे। ये बच्चों हमारा शीर्षासन हो गया। इसका अभ्यास हमको डेली करना होगा 4 से 5 मिनट। इसके अभ्यास से बच्चों में कई लाभ है। हम आपको पहले इसका लाभ बता देते हैं। हमारे शरीर का जो ब्लड होता है वो पूरी तरह सिर की तरह परिसंचरण कर लेता है, इसके वजह से हमारी स्मरण शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा लाभ बच्चों ये है, हमारा तंत्रिका तंत्र जो है और एंडोक्राइन जो ग्रंथि होती है वो मजबूत और स्वस्थ हो जाती है। और बच्चों इसके आसन से हमारा पाचन क्रिया जो है मजबूत हो जाता है। और बच्चों इससे कई लाभ है, जैसे हमारे आँख की रोशनी भी तेज होते हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है। परंतु बच्चों इसका अभ्यास करने से पहले हमको किसी व्यक्ति या किसी दीवार का सपोर्ट चाहिए, ताकि हम इसको अभ्यास करते समय किसी तरह के इंजरी से बच सकें, इंजरी न हो सके। और बच्चों इसको करने से पहले हमको ये जान लेना चाहिए, जिनके गर्दन में दर्द हो, स्पाइनल प्रॉब्लम हो या फिर कमर में दर्द हो, वो लोग इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। ओके बच्चों।